हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अनुज कुमार धामा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दे आर सिम्टम्स ऑफ एनिमल बाइट इन ह्यूमन बीइंग्स एंड इन एनिमल्स। एनिमल्स में 95% जो होते हैं दे आर डॉग बाइट। सो मोर और लेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इन द डॉग्स ओनली। डॉग बाइट्स कई बार प्रोवोक्ड होते हैं, कई बार अनप्रोवोक्ड होते हैं। प्रोवोक्ड मीन्स अगर हम कुत्ते को छेड़ रहे हैं, डॉग को इरिटेट कर रहे हैं, तो वो बाइट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही रीजन होता है और उस केस में रेबीज होने के चांसेस कम होते हैं। बट अगर अनप्रोवोक्ड है देन इट्स अ प्रॉब्लमेटिक इशू। तो उस केस में डॉग में हम ऑब्जर्व क्या करें कि उसको रेबीज है कि नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर डॉग 10 डेज के बाद में नॉर्मल बिहेव कर रहा है, मरा नहीं है, तो रेबीज मोर और लेस रूल्ड आउट है। पर रेबीज के साइन क्या होते हैं डॉग्स के अंदर? पहले तो दे रन अलूफ, वो इधर उधर भागते हैं, किसी भी अनजान आदमी को बिना किसी प्रोवोकेशन के काटना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है, खाना पीना छोड़ देते हैं, अल्टीमेटली बहुत सुस्त पड़ जाते हैं एंड देन दे डाई। सो ऑल दीज थिंग्स दे हैपन विद इन 10 डेज। तो अगर 10 दिन निकल गए तो मोर और लेस हम लोग सेफ हैं। देन हमारे को डॉग बाइट हुआ है, किसी बच्चे को डॉग बाइट हुआ है और हमने उस बच्चे को वैक्सीनेट नहीं कराया टाइमली, तो उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे? तो जो सिम्टम्स होते हैं दे कैन स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन से 5 to 10 डेज पे स्टार्ट हो सकते हैं। इनिशियल जो सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं दे लुक लाइक नॉर्मल फ्लू। क्या होगा, शुरू में बच्चा थोड़ा सिक होगा, फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा, कफ एंड कोल्ड स्टार्ट हो जाएगा, हमें लगेगा जैसे सीजनल कोई वायरल इन्फेक्शन है। हो सकता है हमें पता भी ना हो डॉग बाइट हुआ है और हमारे जो डॉक्टर हैं वो भी कहेंगे सीजनल वायरल है, ठीक हो जाएगा। बट अल्टीमेटली स्पेसिफिक साइंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, बच्चा फुली कॉन्शियस होता है, अवेक होता है, सब कुछ पता होता है, बट द मोमेंट उसके सामने से एयर पफ जाता है, अगर आप उसके मुंह के अक्रॉस हवा भी चलाएंगे, इवन कई बार हाथ मूवमेंट करने से या फूंक मारने से भी करेंगे, तो बच्चा स्पाजम में चला जाता है। स्पाजम में कैसे चला जाता है, एकदम अकड़ जाएगा बच्चा, इतना सीवियर हो जाता है। या अगर हम बच्चे के सामने या एडल्ट के सामने वाटर लेके आएंगे, पानी का ग्लास लेके आएंगे, उसको प्यास भी लगी होगी तो फिर भी उसके सारे मसल्स स्पाजम में चले जाएंगे और वो एकदम चौंक जाएगा, अकड़ जाएगा, एकदम ऐसा हो जाएगा। ये स्पेसिफिक साइंस हैं कि पेशेंट को रेबीज हो चुका है। दिस इज अ वेरी लेट स्टेज। अगर ऐसा हो चुका है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ऑलमोस्ट 100% जैसे कि थ्योरेटिकली कुछ लोग कहते हैं कि आज तक 6 लोग डॉग बाइट से बचे हुए हैं, कोई कहता है 1 आदमी बचा है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 100% मॉर्टेलिटी है, 100% डेथ रेट है इन केस ऑफ डॉग बाइट। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कभी भी मिस नहीं कर सकते हैं, इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिकॉज अगर रेबीज हो गया तो इट इज़ अ श्योर शॉट साइन कि आगे डेथ ही होने वाली है। तो डियर पेरेंट्स, अगर आपके बच्चों को डॉग बाइट हुआ है या आपको डॉग बाइट हुआ है तो गेट इन टच विद अ डॉक्टर, मेक श्योर कि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं। या अगर आपने पेट रखा है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपने पेट रखा है, तो आपको वैक्सीनेशन एडवांस में करा लेनी चाहिए। एक होता है पोस्ट डॉग बाइट वैक्सीनेशन, एक होता है प्री एक्सपोजर प्रोफेलेक्सिस। उसमें सिर्फ 3 इंजेक्शन लगाने होते हैं, 0 डे, 7 डे एंड 21 डेज पे। उसके बाद में अगर कभी डॉग बाइट हो जाए, अगर बाई चांस हो जाए, तो फर्दर अगले 3 महीने के अंदर हुआ है तो कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, 3 महीने के बाद में हुआ तो सिर्फ 2 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेबीज वैक्सीनेशन। इसके रिगार्डिंग हमने एक दूसरे वीडियो में भी डिस्कस किया है, आप उसको प्लीज वॉच कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सो डियर पेरेंट्स, दिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिम्टम्स ऑफ एनिमल बाइट इन एनिमल्स एंड इन ह्यूमन बींग्स। अब इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।